रुको, घूमोगे ना? मेरा गला सुन चू, ओठो सकाले चे, ओठो 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 ओठो, इतना आलसी बन गई है ना। ओए आलसी, ओए आलसी, उठो इश भगवान, उठो उठो उठो, सवाल उठे तो उठो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। सो मैं अभी धुबरी में हूँ, गुवाहाटी छोड़ के मैं आ चुकी हूँ। धुबरी में आना हो गया मोटा मोटी 5-6 दिन हो गया मैं धुबरी में हूँ। और विदाउट ऑफिस का लाइफ कैसा होता है, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि कुछ करने का है नहीं। इसको लेके बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ना इतना भौंक रही है, बनाना नहीं मतलब मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रही है ये। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि ऑफिस के विदाउट ऑफिस थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि कुछ करने का है नहीं। और ऑफिस का लाइफ मतलब एक बैचलर लाइफ जो होता है ना वो एक अलग होता है, और घर पे होमली एनवायरनमेंट पे रहना वो एक अलग लाइफ होता है मेरे हिसाब से। तो तब पे क्या होता है ना कि एक दो फ्री तुम मुझे मतलब जब भी मन हुआ मैं निकल गई, जो मन हुआ वो खा लिया, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ है। और धुबरी वैसे भी बहुत ही छोटा सा एक टाउन है, यहाँ पे उतना कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं है गुवाहाटी जैसा कि लेकिन हाँ अभी बहुत डेवलप हो चुका है। अभी जोमेटो करके हम खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, और नया नया बहुत सारा कैफ़े रेस्टोरेंट ये सब खुला है। तो थोड़ा बहुत तो हुआ है, मतलब डेवलप हुआ है। ओले बाबा, ओले बाबा, इसको देखो ना। और कोको ना यहाँ पे आके इतना आलसी हो गई है, सारा दिन सोती है, सारा दिन। पता नहीं अभी ठंडे का मतलब विंटर का सीज़न है करके इसलिए उसको ज़्यादा आलसी लगता है, पता नहीं। ये सारा दिन सोती है। हाँ, अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे मैं कैसे समय का काट रही हूँ, मेरा भाई बहन इन लोगों के साथ बातें बातें करके, इन लोगों के साथ चिल करके ही मेरा टाइम गुजर रहा है। लेकिन हाँ, ऑफिस मिस कर रही हूँ मैं, ऑफिस के लोगों को मिस कर रही हूँ, और मेरी रूममेट कृष्णा को मिस कर रही हूँ, श्री को मिस कर रही हूँ। और उधर का लाइफ अलग था, उसका एंजॉयमेंट अलग था, और यहाँ का अलग है, यही डिफरेंस है मतलब मेरे हिसाब से। तो अभी मैं उठी हूँ, अभी पता है कितना बज रहा है, 10:30। मैं 10 बजे उठी, नहीं 9:30 बजे उठी थी शायद। हाँ, थोड़ा बहुत मोबाइल पे वीडियोस वगैरह देखा, और फिर अभी छत पे आई ब्रश करने के लिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी, और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग कंटिन्यू आगे वीडियो देखते रहो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगेगा। सो अभी मैं टूथब्रश कर लेती हूँ, और ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप लोगों से मिलती हूँ। आधा टाइम ना कोको छत पर ही रहती है, छत पर मतलब छत पे डायरेक्ट तो नहीं जा पाती क्योंकि दरवाज़ा लॉक करके रखती हूँ, रिस्की हो जाता है इसीलिए। और वो हमेशा तो सीढ़ियों में ही घूमती रहेगी, उसको पता नहीं क्या नशा है, ऊपर रहना ही उसको पसंद है। और उसको जैसे तैसे बुला के फिर ब्रेकफास्ट कराया, उसके लिए था आलू और पपाया बॉयल और साथ में रोटी, उसको बहुत पसंद है ये खाना। और उसको खिलाने के बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, मैंने खाया रोटी, फिर था दाल और था बैंगन फ्राई। हाँ, बस ये ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरा भाई आया, मेरा चाचा का लड़का। मैं मेरा भाई और कोको मिल के थोड़ा सा खेल रहे थे। तो पहले पहले तो भाई ना कोको से डरता था, अभी उसका अच्छा दोस्ती हो गया है कोको के साथ। और फिर कोको को मैंने नहलाया क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, तो मैं बहुत गैप करके उसको नहलाती हूँ। और आज था उसका नहला मतलब नहाने का दिन, तो उसको नहला के फिर छत पे लेके आई, वो थोड़ा सा सूखने के लिए, उसको थोड़ा सा धूप मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा इसके वजह से। फिर हम तीनों ऐसे बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, और उसके बाद हो गया लंच का टाइम। और कोको को खिलाया था आज मटन और राइस, उसको मटन और राइस एक साथ मिक्स्ड करके प्लेट में दे दिया था, और वो अच्छी तरीके से खाया, और साथ में भाई भी खाया और मैं भी खा रही थी मटन। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आपने एकदम भी स्पाइसी नहीं बनाया, मुझे मतलब स्पाइसी बहुत पसंद है इसकी वजह से। सो अभी मैं और मेरे
सिस्टर जा रहे हैं एक मेकअप आर्टिस्ट से मिलने। क्यों जा रहे हैं ये मैं बाद में बताती हूँ। एक्चुअली धुबरी पे ना तीन चार ऐसे अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनमें से मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ वो उनका सबसे ज़्यादा मतलब उनका काम मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि कभी अगर कुछ भी मेकअप आर्टिस्ट से कराऊंगी पैसा देके तो इनसे कराऊंगी क्योंकि मैं अगर करना हो तो। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी है और इसका उनके साथ मतलब जिस मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ मेरी सिस्टर का उनके साथ अच्छा एक रिलेशन है। मतलब वो पहले भी बहुत मॉडलिंग का ये सब करती थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनके पास ही चलते हैं। और क्यों जा रही हूँ ये मैं बताती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। अभी हम पहुँचने वाले ऑलमोस्ट ये है हमारा मार्केट, छोटा मार्केट है ये। और उसके बाद मैं पहुँच गई लोकेशन पे जहाँ पे ये मेकअप आर्टिस्ट का सैलून है। मैं उधर पे गई मिलने और जाके क्या बात हुआ क्या नहीं मैं आप लोगों को इस साथ भी शेयर करूँगी लेकिन नेक्स्ट व्लॉग पे। आज का व्लॉग देख के कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।